वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एबी एडुकेशन। तो आज हम लोग देखेंगे एक न्यू चैप्टर जो कि है चैप्टर 15, जिसका नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, चैप्टर 15 है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 15A करेंगे। हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आज फर्स्ट देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या, फाइंड द वॉल्यूम एंड लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का हुज डाइमेंशनल्स आर, जिसका डायमेंशनल दिया हुआ, लेंथ दिया हुआ, ब्रेथ दिया हुआ और हाइट दिया हुआ। सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद होना इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला। सबसे पहले अगर वॉल्यूम के बात बोला जाए तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का होता है फॉर्मूला एल इंटू बी इंटू एच होता है। अगर आप बोला जाए लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2 × L + B × H होता है। और उसके बाद अगर टोटल सरफेस के बात बोला जाए तो टोटल सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × LB + BH + LH होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। देखिए इसे हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, ये सोल्यूशन हो जाएंगे। यहाँ से सोल्यूशन आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दिया होता है, क्या निकालना है वॉल्यूम। तो निकालेंगे फर्स्ट में वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के लिए क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा फॉर्मूला लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो इसका होता है 12 cm मल्टीप्लाई बाय 8 cm मल्टीप्लाई बाय 4.5 cm। अगर 12 × 96 × 45 उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल सा आ जाएगा। सिंपल सा अगर मैं बोलू तो 432 cm आपका क्यू आ जाएंगे। आई थिंक यहाँ तक पहला कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पर दूसरा मैं कंप्लीट करता हूँ, क्या करता हूँ दूसरा, तो दूसरा में क्या निकालना होगा, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना। लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख रहा हूं, लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2 × यहां पर देखिएगा 2 × यहां पर देख सकते हो 2 × L + B × H होता है। समझाया, ये आपका होता है लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। लेंथ कितना दिया हुआ, तो लेंथ आपका 12 दिया हुआ, ब्रेथ कितना 8 दिया हुआ, इंटू हाइट 4.5। क्या करेंगे यहां पर 2 × 20 आ जाएंगे, इंटू 4.5 आ जाएंगे, तो आपका हो जाएगा 40 × 4.5 राइट। तो यहां पर देखिए, तो अगर मैं डेसिमल हटाऊं तो 10 आया, यानी कि 40 × 45/10 ये 10 हो गया, 4 टाइम्स में 10 4 जा 40, अब क्या आ जाएगा 4 × 45 यानी कि 180 cm² इस द आंसर यहां से प्राप्त हुआ। ठीक है, ये आपका ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, ये भी आपको यहां से कंप्लीट हो गया, देख सकते हो आपको ये हो गया, यहां से फिर आपका ए हो गया, मीन्स यहां से लेटर सरफेस एरिया भी गेन हो गया। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे अब लास्ट टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए यहां पर टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × LB + BH + LH ये होता है। मैं वैल्यू रख रहा हूं, इसका वैल्यू रखना है, समझिएगा वैल्यू क्या होगा दोस्तों। यहां से देखिए ए 2 हो जाएगा, एल यानी कि 12 × 8 हो जाएगा। ठीक है, 12 × 8 + BH क्या हो जाएगा, बी 8 × 4.5 + उसके बाद LH, तो लेंथ कितना हुआ 12 × 4.5, ये आपको इस तरह से आया। देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये तो 96 आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे 96 प्लस, देख सकते हो आप 96 प्लस और आपका आ जाएगा देखिए 36 + 54, आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या आया 54। अब देखिए ध्यान से क्या आ जाएगा,
अब इसको अगर मैं ऐड करूं तो देखिए, तो ध्यान से ऐड करने पर क्या आ जाएगा, 2 इन 2, ये आपको ऐड करेंगे तो देखिए तो 6 और 4 10 और 6 या 16 हो जाएगा, 5 और 3 8 और 8 17 और एक 18 आ जाएगा, समझ में आया, पूरी तरह से 18 आ जाएगा, बैलेंस था 1। अब यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, यहां पर मल्टीप्लाई देखिए तो 6 2 जा 12 का 2, 8 2 जा 16 एक 17 का 2 और 2 1 जा 2 और एक 3, बैलेंस ये हो गया। सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर, ये आपको यहां से आंसर गेन हो गया। आई थिंक यहां से तीनों आंसर गेन हो गया आपका, यहां से क्या हुआ, तीनों आंसर आसानी से हमें गेन हो गया। पहला क्या निकाले दोस्तों, पहला सबसे पहले वॉल्यूम निकाले, उसके बाद क्या निकाले, लैटरल सरफेस एरिया निकाले, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया निकाले। हाँ दोस्तों, ये पूरी तरह से क्वेश्चंस वीडियो हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।